आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बरहज देवरिया में मंगलवार को क्षेत्र के ईदगाहों मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज पूरे जोशो खरोश खुशी एवं अकीदत के साथ अदा की गई। रमजान के 30 रोजे पूरे होने के बाद ईदगाह में रोजेदारों और अकीदतमंदों की भारी भीड़ जुटी, जहां 8 बजे मौलाना नूरुल इस्लाम ने ईद की नमाज अदा कराई। ईदगाह में नमाज अदा करने पहुंचे सभी रोजेदारों के चेहरे पर रमजान के 30 रोजे पूरी होने की खुशी साफ झलक रही थी। ईद उल फितर की नमाज के दौरान सभी ने मुल्क में शांति सद्भावना यम अमन की दुआ मांगी। ईदगाह में मौलाना नूरुल इस्लाम नगर के नाका मस्जिद में, कारी वसीउल्ला पटेल नगर के राजा मस्जिद में, हाफिज साकिर रजा व गौरा मस्जिद में मौलाना अफजल ने रोजेदारों एवं अकीदतमंदों को ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद मौलाना अनीस अहमद, मौलाना शमशीर रजा, हाजी डॉक्टर अब्दुल हमीद लारी, फयाज अहमद अंसारी, चाद आलम, मुजफ्फर हुसैन मंसूरी, अब्दुल खालिक अंसारी, डॉक्टर सयाज अंसारी, जावेद अख्तर, बबलू राइन, मुनीर शाह, एडवोकेट खुर्शीद आलम, एडवोकेट मनोवर हुसैन, गुलाम रसूल, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद यूनिस अंसारी, मुख्तार अहमद, मुबारक अली, सगीर खान, सज्जाद हुसैन, नसीर राइन, अनीस मंसूरी, नसीम अहमद, परवेज आलम, अयूब अली, मोहम्मद सोएब, जमशेद खान, बबलू रहमान आदि ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। क्षेत्र के पैना स्थित जामा मस्जिद में कारी इम्तियाज ने ईद की नमाज अदा कराई। यहाँ हाजी मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद आरिफ भोलू, डॉक्टर हसीब बद्रे आलम, मेराज अहमद, मुंतजीर हुसैन, जैनुल आबदीन आदि ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन एवं शांति की दुआ मांगी। ईद की नमाज के दौरान ईदगाह पर उप जिलाधिकारी गजेंद्र सिंह, क्षेत्राधिकारी देवानंद, योम SHO बरहज TJ सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जबकि मौलाना नूरुल इस्लाम ने कहा कि ईद उल फितर की नमाज में लोगों ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी। किस प्रकार से उत्साह आपको देखने को मिला? मतलब ये तैयारियां चल रही हैं। ये है कि ईद मोहब्बत का पैगाम देता है, एक दूसरे को जो है करीब आता है, जुड़ता है, नफरतों को दूर करता है। बड़े छोटे सब एक हो जाते हैं, इसमें न बड़ा है न छोटा है। मस्जिद में आ गए, सब एक हो गए। हमारे यहाँ जो है मोहब्बत का पैगाम देता है कि आप अपनी जात से लोगों को खुश कीजिए और अच्छा पैगाम दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, बेसहारों का सहारा दीजिए। ईद का पैगाम ये देता है। करीब 2 साल के बाद ये ईद जो है कि मनाई जा रही है। 2 साल के बाद जो ईद मनाई जा रही है जी। तो आप ये देखिए कि जब एक तोता जब पिंजरे से निकलता है तो कितना खुश होता है। ऐसे ही हम लोग 2 साल कैद में थे, कैद से बाहर हो गए हैं, इसलिए हमारी खुशी का कोई इंतहा नहीं है। हम जितना चाहें मोहब्बत का पैगाम दें, अखलाक का पैगाम दें और नफरतों को दूर करें, यही हमारा पैगाम है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।